अब्रेली पैक होके उठ गया। चार्ज इतना क्या चीज गिरा क्या इधर? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सबको मैं अपने संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और दादी की तरफ से आप सबको सबको आशीर्वाद है। इधर देखो मकर संक्रांति का विशेष दे दो सबको। चलो आज मकर संक्रांति है, आज बहुत शुभ दिन है, सबको मानना है, नहाना है, भगवान का ध्यान करना है। वही अभी नहा के यहाँ पे आग सेकना होगा, पूजा करना होगा थोड़ा देर आग का, उसके बाद आग सेकना होगा। तो ये रिचुअल है, तो हम फटाफट से नहा लेते, मैंने नहाया नहीं है, और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं ना। जो कल दो ब्लॉग था मैंने अपलोड कर दिया, अपलोड होते थे 12 बज गया। और ये भाई और भैया यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं सुबह। मैं नहा के आ गई हूँ छत पर, आज मैं धूप नहीं सीखने वाली, मैं कपड़े सुखाने आई थी सिर्फ। और अभी जा रही हूँ नीचे, पहले थोड़ा सा आग सेक लेते। भैया तो एज यूजल की तरह अभी तक नहीं उठे, वो उठेंगे भी नहीं अभी तक, उनका टाइम ही नहीं हुआ है। आज मैं जल्दी उठ के सो रहे हैं, अभी तक मैं उठाती हूँ। दादा उनका दिल्ली, वहाँ पे बड़ी मम्मा है, वहाँ पे देखो। चलो, और बैकग्राउंड पे जो साउंड आ रहा है ना, वो भाभी गाना चला रही है श्री राम का। तो सब लिखो कमेंट्स में जय श्री राम। आप भी विश कर दीजिए सभी को। कती विश करनु है, जब रे विश करे हैप्पी मकर संक्रांति। विश करने से क्या है, अच्छा है ना। आपको ही आलस आता हर चीज में। नहीं सर, एउटा गदा के दिन उठेको नि फेरि। आपका सर पानी राम्रो भएर बेपछि नै सक्छु म। पूछ रही से, ए सुनो, दिल्ली जाने के बाद भूल मत जाना, वरना आके पिटाई खाओगे तुम 3 साल के बाद। भूल जाओगे। ए, देखो अभी से इसका तेवर कैसा है। वहां से उठ गया, आज इतना जल्दी उठे सब दंग रह गए। इतना जल्दी तो नहीं उठते ये साहब। मत डालो ना ज्यादा लकड़ियाँ, मत डालो ज्यादा। आज धूप भी जलेगा क्या? हाँ धूप भी जलेगा। हाँ सेक लिया, अभी मैं जाऊंगी किचन में, फाइनली तो पड़ेगा ना जो बनाया है, लड्डू तरुल वगैरह शकरकंद। यहाँ पे भैया गेम खेलने का समय ही, इनको नहाने का समय नहीं, तो पर सारा कुछ रेडी पाए। अच्छा ठीक है पहले भगवान को चढ़ा देते, उसके बाद खा सकते। अभी तक चढ़ाया नहीं भाई, मैंने तो भूख लगा बस वही लगता है।
बैठी थी, बड़ी मामा ने बोला ये जो बड़ा बड़ा कोयला मतलब जो भी है वो धूप के लिए चाहिए, तो इधर पानी में डुबा कर रख दो। ठीक है भाई। कैसे बॉयल होता है, कैसे आवाज आता है, देखो देखो। ये हम भी हम डाल दें, ये बड़ा बना लो। तो थोड़ी इधर इधर मतलब भिगो के रखना है, फिर उसके बाद निकाल देना इसको। वो मैं इसकी बात कर रही हूँ, सारा को निकाल के यहाँ पे इकट्ठा कर लेना। कोई ये धूप धूप में यही तो डलेगा ना। कौन आया? एंडी, हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग का तो होता ही नहीं ना। मैं भाई से क्या पूछ रही, दिल्ली जाके भूल तो नहीं जाओगे? मैं भूल जाऊंगा, आप सबको बोल दे। वही बोलेगा ना। क्या भूलेगा, वो इतने साल बैठा इधर नहीं भूलेगा। इतने ही करेंगे हम, एक ही बार मैं बुला रही खाने के लिए। मुझे तो ना रास्ते का पत्थर खाने का मतलब गुड़ का मिठाई। जय श्री राम, जय श्री राम। दीजिए इधर है। ठीक है, गुड़ का मिठाई डाल दीजिए दो। मेरे पर टेस्ट लगता भी सेक लिया, मस्त आग भी सेक लिया। देख के भाई क्या कर रहा है, आई तो वैसे भी खेलता फिरता रहता है। ये देखो भाई इधर, ये देखो इसका मस्त बड़ा, इसके पापा है ना, तो कुछ दिन में ये भी चला जाएगा भाई दिल्ली। फिर ब्लॉग्स में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग मतलब होगा, बट भाई थोड़ा सा मतलब मस्ती खो रहे ना ब्लॉग में, कंटेंट दे देता घर वाले देते हैं बट इतना नहीं। हो गया तो कितना चलेंगे, हो गया आज के लिए, रात को सेकेंगे आराम से। रात को बहुत ज़्यादा ठंड होता है ना, इस चिमटी से मुझे मारेंगी। पाप लगेगा, केस कर दूंगी आप पे, नॉन वायलेंस मिंटन। जाओ ना, क्या हुआ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, क्या चीज गिरा क्या इधर, क्या ऑक्टोपस? अच्छा खिलौने वाले ऑक्टोपस, रुको कहाँ पे गिरा है? दीदी मैं नहीं, इधर ही गिरा था। नहीं इधर भाई, चलो चलो जाओ बैडमिंटन लेके आओ। अब जाना लेके आ तू, जाओ ठीक है आपके लिए, तो इसी में जाओ आप दिल्ली पैक होके एकदम से। अब आप घुस भी जाओगे शायद, घुसो तो घुसो एकदम नीचे।
हाँ इसमें जाओ, आप इसमें जा सकते हो। क्या ऐसे कह रहे मुझे भी एक चिंगम दो? बदतमीज इंसान, मैं कितना शेयर करती हूँ। वेट तू रुक बेटी, अभी यहाँ पे भाभी लोग का पैकिंग स्टार्ट होगा दिल्ली जाने के लिए। अब शायद नेक्स्ट मंडे तक ये लोग जाएंगे शायद, फिर तो सुना सुना हो जाएगा मेरे लिए तो, बाकी का पता नहीं। हाँ भाई दे, थैंक यू। मुझे सच में मिस नहीं करोगे आप? नहीं करोगे? हाँ करूँगा। अच्छा हिंदी अच्छे से सीख के आना, ठीक है? एक बीस हो रहा है, अभी चलते हैं नीचे लंच करने। आज लंच में बने खिचड़ी, मकर संक्रांति के दिन वही है भाई, खिचड़ी ही बनता है घर में, लड्डू खिचड़ी ही बनता है। तो चलो नीचे चलते हैं। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बना रही थी वीडियोस टिकटॉक के लिए, वीडियोस बना रही थी कंटेंट, तो फिर मैंने कहा पोस्ट भी कर दिया। तुम लोग नहीं हो टिकटॉक पर, मुझे पता है कैसे देखोगे। मैंने इंस्टाग्राम पर भी सेम वीडियो अपलोड किया जो मैंने टिकटॉक पर किया, तो जाके देख लो क्या मस्त टेंटिंग लग रहा है ना। खिचड़ी आलू भुजिया भी है, चटनी चटनी बिरयानी जैसा लग रहा है, पर है नहीं बिरयानी। चलो करते हैं, सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। तो अब मेरे को फाइनली टाइम मिल गया धूप में बैठने का, टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी लंच करके आई, क्या मस्त खिचड़ी था भाई, मस्त बना था। और अभी आई हूँ, बड़ी मम्मा का फ़ोन मैंने ले लिया, अभी आराम से गाना सुनते सुनते मैं धूप सीखूँगी मस्त वाला। यस तब तक तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो, ठीक है? गाइस गुड इवनिंग, अभी 6:05 हो रहे हैं शाम के, और मैं जस्ट सो कर उठी, तो लंच वंच करके धूप सेकने में मैं बैठ गई थी। उसके बाद आगे नीचे आके मैं सो गई थी मस्त से, और अभी उठी हूँ मैं। और हम नीचे जाएंगे अभी, वर्कआउट्स नहीं हो पाए क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड है, तो वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या, स्केपिंग तो कर ही सकते हैं ना। ये सब स्केपिंग वगैरह करने के बाद मैं फिर ऊपर आऊँगी और एडिट पर मस्त से बैठूँगी। आज मैंने कुछ शूट नहीं किया, ना पॉडकास्ट ना रील्स वगैरह कुछ नहीं शूट किया, बेसिकली कंटेंट ही नहीं शूट किया। जितना शूट करना था मैंने कर लिया। बट यस कल से जाना है कॉलेज, देखते कल से तुम लोग को ब्लॉग में भी थोड़ा कंटेंट मिलेगा, आज इतना देखने को नहीं मिला बट फिर भी। तो यस चलो वर्कआउट करने चलते, उसके बाद ही मैं ब्लॉग एडिट करके एंड करूँगी, वर्कआउट कर लेते मेन हमारे टारगेट। आ गई हूँ वर्कआउट वगैरह सब करके, अब मैं घुस रही हूँ कंप्यूटर रूम के अंदर जो कि लॉक्ड है काफ़ी दिनों से। क्योंकि मैं जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो 6th सेमेस्टर का होता है वो एडमिशन करना पड़ता है, तो हमने वो नहीं किया है। मतलब वो कर, मतलब डेट 13 जनवरी था बट साइट ओपन नहीं होता, पता नहीं आज ओपन हो जाए। काफ़ी दिन से नहीं आई थी कंप्यूटर रूम में। ओह नो, जो सिंहासन है ना उनका होगा मस्त। हे भगवान, किस किस का ओपन करना पड़ता है यार। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, ओपन ही नहीं हुआ साइट। साइट क्या मतलब कंप्यूटर ही होने लगा, पता नहीं क्या है। और अब मैं जाऊंगी एडिटिंग करने बैठूंगी मस्त से। तो अभी 7 बजने वाले हैं, अगर मैं ज़्यादा लेट करूंगी एडिटिंग करने लेट बैठूंगी तो मेरा ही नुकसान होगा, मेरा ही ब्लॉग जल्दी नहीं जाएगा, लेट ही जाएगा। तो ये गाइस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, आप लोग को पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर डेली ब्लॉग्स। अगर आपको मेरा पसंद आ रहा है, अगर पसंद नहीं भी आ रहा है तो दया करके
इस चेहरे को दया करके एक सब्सक्राइब का बटन टंग बजा दो और सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।